45 साल पुरानी इनकी शॉप है और ये इनका गुलदाना जिसको मीठी बूंदी बोला जाता है और बालूशाही इनकी सबसे ज़्यादा फेमस है। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बालूशाही इनकी कैसे बनती है और मीठी बूंदी कैसे बनाई जाती है जिसको गुलदाना भी बोला जाता है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी क्वांटिटी में इनके यहाँ गुलदाना और बालूशाही बनाई जाती है। चले देखते हैं इस पूरे वीडियो को। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को और फॉलो ज़रूर कर देना ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे अमेजिंग वीडियो ला सकें। दोस्तों आज हम आए हैं हरिद्वार का ये ज्वालापुर क्षेत्र और ज्वालापुर क्षेत्र का ये है यामिन चाय वाले। ये एक लगभग इनकी 45 साल पुरानी शॉप है और ये इनकी सेकंड जनरेशन जो अब ये शॉप संभाल रही है, सेकंड जनरेशन इनकी शॉप संभाल रही है। और ये देख सकते हैं इनकी बालूशाही और मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी स्वीट्स है यहाँ पर। दूध का भी बहुत अच्छा, इनका बहुत अच्छा काम है और ये काफ़ी फेमस है। तो चलिए भैया से बात करते हैं, पूछते हैं कितना पुराना सेटअप है इनका और ये कितनी पुरानी शॉप है और क्या क्या इनका फेमस है। चलिए बात करते हैं। भैया कब से आपकी शॉप है? हमारी शॉप भैया लगभग 45 साल। 45 साल हो गया, मतलब ये 1980 से स्टार्ट करी थी, मतलब फादर ने स्टार्ट करी थी जी, पापा ने स्टार्ट करी। और ये सेकंड जनरेशन है आपकी। अच्छा क्या क्या फेमस है भैया आपका? फेमस हमारा गुलदाना है, पलम तोड़ है और बालूशाही। अच्छा मिठाई कुछ भी बन सकती है। अच्छा मिठाई सभी फेमस है, अधिकतर ये तीन फेमस ज्यादा है सबसे। ये देख सकते हैं दोस्तों इनका ये कुल्हड़ में चाय भी है और दूध भी, कुल्हड़ का और पूरा सेटअप है इनका दूध का। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, इनकी फेमस बालूशाही और जो इनकी मीठी बूंदी है जिसको गुलदाना भी बोला जाता है उसका बनाने का पूरा प्रोसेस है इस वीडियो में। चलिए देखते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों ये इनका कुल्हड़ वाला दूध है, देख सकते हैं आप लोग ये कुल्हड़ में दूध दे रहे हैं जो कि काफ़ी फेमस है इनका। दोस्तों ये है अंकित भाई और ये है मतलब यामिन चाय वालों के जो कारीगर हैं, मिठाई के कारीगर हैं, ये वो है। भैया आप कब से कर रहे हो यहाँ पर? 15 साल हो गए मैं। अच्छा 15 साल से आप कर रहे हो, तो सारी मिठाई अधिकतर आप ही बनाते हो। ये अंकित भाई और अंकित भाई अभी बना रहे हैं बूंदी के लड्डू, मोतीचूर भी बोला जाता है, मोतीचूर के लड्डू इनको।